देखिए, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर अभी 18 अक्टूबर को आया है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो ये लैंडमार्क जजमेंट है, ये सिर्फ राजस्थान के संदर्भ में नहीं देखते, इसका पूरा राष्ट्र पे व्यापक असर होने वाला आने वाले समय में। राजस्थान की अगर हम बात करें तो अभी मई में हमारी ही एक PIL पे ऑनरेबल हाईकोर्ट ने एक बहुत अच्छा जजमेंट दिया था, अक्षय तृतीया पे, खास करके जो बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर बाल विवाह होते थे, और इसका असर ये हुआ उस आदेश का, ऑनरेबल हाईकोर्ट का, कि इस बार ऐसी बहुत ज़्यादा खबरें हमें देखने में नहीं आई हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये जो जजमेंट है, इसमें जो ग्राउंड रियलिटी है या जो चैलेंजेस हैं या क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं सरकार को या बाकी लोगों को, उनको कैसे दूर करने की बात हो रही है। जैसे कि उन्होंने बड़ा साफ कहा कि चाइल्ड मैरिज प्रोविजन ऑफिसर का अपॉइंटमेंट करना है, उनको ट्रेनिंग देने की बात कर रहे हैं। अगर एक्शन नहीं होता है किसी सरकारी अधिकारी के द्वारा, एक्शन में लापरवाही बरती जाती है कोई इन्फॉर्मेशन देने के बाद भी, तो उसके खिलाफ भी एक्शन की बात हो रही है। व्यापक स्तर पर जन जागरूकता अभियान चलाने की बात हो रही है, इसमें पंच सरपंच से लेकर स्कूल से लेकर के DM से लेकर के कलेक्टर, DM कलेक्टर SP सभी की जवाबदेही तय की गई है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत एक बहुत बड़ा एक कैंपेन चलाने की बात इसमें की गई है। इतने अच्छे जजमेंट के लगता है हम टाइम देना चाहिए, क्योंकि ये रातों रात नहीं होगा, और अकेले सिर्फ सरकारों से भी नहीं होगा कि जजमेंट आ गया इसके बाद सब कुछ ठीक हो जाना। उस जजमेंट को इम्प्लीमेंटेशन कराने के लिए हमारी भी भूमिका होनी चाहिए, समाज के हर व्यक्ति की भूमिका होनी चाहिए उसमें, आपके चाहे धार्मिक नेता हों, उसमें सामाजिक कार्यकर्ता हों, सरकारी अधिकारी हों, स्कूल के विद्यार्थी हों, मास्टर हो, पंच सरपंच हों, महिला संगठन हो, समाज का जब तक हर एक तबका इसमें नहीं लगेगा और एक राष्ट्रव्यापी अभियान की तरह इसको नहीं देखेगा, जजमेंट के बाद भी बहुत कुछ नहीं बदलेगा मैं कहना चाहता हूँ। इसलिए उस जजमेंट की आड़ में हम ये कह सकते हैं कि जो बच्चों के साथ एक तरह से बाल विवाह चाइल्ड रेप है, उसका बहुत बड़ा और घातक दुष्परिणाम उस बच्चे के जीवन पर आजीवन रहता है, तो हमें उसको इम्प्लीमेंट करा करके आने वाले समय में भारत से ही पूरी तरीके से चाइल्ड मैरिज फ्री बनाने की दिशा में काम करना, और 2030 तक हमें निश्चित तौर पर देखेंगे कि भारत बाल विवाह मुक्त हो चुका है। जी जी, मैंने भी यही आपको बताया है कि सिर्फ राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में नहीं, भारत के लगभग हर एक ग्रामीण इलाकों में, मैं दिल्ली का एग्जाम्पल देता हूँ, मैं दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली में आप सोच सकते हो राष्ट्र की राजधानी है कि वहाँ बाल विवाह होते होंगे, लेकिन वो क्या करते हैं, राजस्थान दिल्ली के जो लोग हैं वो बिहार से आकर के वहाँ रह रहे हैं, राजस्थान के लोग हैं, MP के लोग हैं, अलग अलग स्टेट के, तो यहाँ से वो अपने गाँव जाते हैं और वहाँ बाल विवाह करके आते हैं, तो हर जगह कमोबेश ये स्थिति है। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले जो बताया कि एक तो देखिए व्यापक स्तर पर जन जागरूकता अभियान चलाना जरूरी है, लोगों को लगता ही नहीं कि बाल विवाह हो रहा, पड़ोसी को मतलब ही नहीं होता, उसे ये नहीं पता कि एक बहुत गंभीर अपराध है, जानकारी का अभाव है, और जानकारी अगर उसको है भी कि बाल विवाह एक सामाजिक अपराध है और क्राइम है, तो उसे नहीं पता कि मैं इन्फॉर्मेशन कहाँ दूँ, और अगर उसको ये लगता है मैंने इन्फॉर्मेशन दी हो सकता कल मेरी दुश्मनी हो जाए। इस जजमेंट में सारे बंदोबस्त किए गए हैं, लोगों की जागरूकता से लेकर के उसकी जानकारी गुप्त रखने की बात है, अधिकारियों को उस पर एक्शन लेना ही होगा, और अगर वो नहीं लेते तो उनके खिलाफ भी एक्शन होगा। तो मैं आपसे यही कहूँगा, आपके इस चैनल के माध्यम से आपका भी एक बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है, मीडिया का, खासकर चौथा स्तंभ कहा गया, आपको भी जन जागरूकता अभियान चलाने पड़ेंगे, इसके बारे में लगातार खबरें दिखाइए, और जहाँ भी चाइल्ड मैरिज की कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है आप भी अपने स्तर पर आवाज़ उठाइए, सबकी सामूहिक प्रयासों से ही बाल विवाह का खात्मा संभव है। जी, देखिए राजस्थान सरकार इस पर बहुत संजीदगी से काम शुरू कर दिया, उसने जजमेंट के आते ही उन्होंने एक एक्शन प्लान भी बना लिया है, इसमें वो कई तरह के माध्यम हो सकते हैं, टेलीविजन के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, पंपलेट के माध्यम से, इवन जो धार्मिक नेता हैं, अगर एक पंडित जी मना कर दें कि मैं बाल विवाह वाले शादी में जाऊंगा ही नहीं, एक मौलवी साहब मना कर दें कि मैं अपने यहाँ बाल विवाह अगर होगा तो मैं उसमें जाऊंगा ही नहीं, आर समाज का मंदिर का आदमी ये कह दे कि मैं बाल समाज की शादी
करने ही नहीं दूंगा। अगर घोड़ी वाला, बैंड वाला, बारात वाला, हलवाई, ये सब लोग कह दें कि मैं ऐसी सामाजिक बुराई का जो है उसके खिलाफ हूं, मैं ऐसी चीजों में शामिल नहीं हूंगा, क्योंकि जेल तो वो भी जाएगा। अगर बाल विवाह होता है और वहां मीडिया वाला भी कोई खड़ा हुआ है, अगर कोई कैमरामैन है, वहां पंडित है, वहां हलवाई है, टेंट वाला है, सबके खिलाफ एक्शन होता है। और हम लोग ऐसे एक्शन करवाए हैं, कई बार पूरी बारात के बारात को हमने जेल भेजा है। अगर आप लोग जागरूकता से नहीं मानेंगे तो सरकार निश्चित तौर पर अपना डंडा चलाएगी, कानून का प्रयोग होगा और लोग जेल जाएंगे। तो बेहतर ये है कि हम लोग जन जागरूकता अभियान से ही मान जाएं, और कोई भी माध्यम हो वो जन जागरूकता का, वो व्यक्तिगत तौर पे भी हो सकता है, पंपलेट के माध्यम से होता है, सोशल मीडिया के माध्यम से हो सकता है, सरकार भी करे और हम सब मिलकर के करेंगे आने वाले समय पे जन जागरूकता। जी, हम लोगों का, हमारा जो अलायंस है देश भर का, संगठन है हमारा जस्ट राइट्स अलायंस फॉर चिल्ड्रन, हम लोगों की कोशिश है कि 2030 के पहले भारत से इस सदियों पुरानी सामाजिक बुराई को पूरी तरह से खत्म कर सके।